दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20x32 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर हमारा मॉडल देखा होगा, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं और ये मॉडल आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान मैंने आपको क्रिएट करके दिया है। सिंपल सा है, लो बजट में है और एक बेहतरीन मॉडल आपको देखने को मिलेगा। इसी मॉडल को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूँ पवन झागले और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, सबसे बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, मॉडर्न हाउस मिलते रहते हैं, जो आपको एक नए आइडिया देते हैं। जब भी आप घर बनवाते हैं तो उस आइडिया से आप एक बेहतरीन सा घर बनवा सकते हैं। उसी के तहत आज मैं 20x32 फीट में बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल लेकर आया हूँ। 3 साइड क्लोज्ड है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे तीनों साइड से ये क्लोज्ड है, फ्रंट में ओपन है। मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको उसका रियलिस्टिक व्यू वगैरह देखने को मिले, जिससे आप इस मॉडल को और बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो ये देखिएगा पूरा मॉडल है। अब हम इसके बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है और मेन डोर ये है। ये साइड में एक विंडो है ग्लास का बड़ा सा, इस मेन डोर से एंट्री करेंगे आप। और ये भी एक डोर है बड़ा सा, उसके ऊपर डिजाइनिंग के पर्पज़ से मैंने कुछ चीज़ क्रिएट की है। आप जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक हॉल या पार्किंग एरिया मिल जाता है, जहाँ आप अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। और ये पूरा एरिया, उसी के जस्ट बगल में आपको एक गेस्ट रूम मिलता है, जो रूम 10x10 का है। एक फ्रंट से डोर विंडो, एक साइड से विंडो, आपका डोर अंदर से मैंने यहाँ पर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप डोर यहाँ से भी दे सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। तो फ्रंट में एक पार्किंग एरिया और एक आपको यहाँ पर बड़ा सा बेडरूम देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप जैसे आप एंट्री, ये डोर है और ये एक विंडो है, यहाँ से आप एंट्री करें अंदर, तो डोर के माध्यम जैसे आप अंदर आते हैं तो ये आपका डाइनिंग हॉल मिलता है। इसके बाद ये कॉर्नर पर आपको एक बेडरूम, जस्ट सामने फ्रंट में आपका किचन बड़ा सा, उसी के जस्ट बगल में आपका लेटरिन बाथ कंबाइंड मिल जाता है। और इस तरफ का स्टेयर्स हैं जिसके माध्यम से आप ऊपर जा पाएंगे। तो 20x32 में आपको दोस्तों बेहतरीन सा 2 बेडरूम, केवल पार्किंग और लिविंग रूम, आपका लेटरिन बाथ और बाथरूम, लेटरिन बाथ और किचन एरिया पूरा देखने को मिल जाता है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, मैंने आपको ये बताया मेन डोर से वगैरह। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। हालांकि अभी ये चीज़ें आप जो लाइट वगैरह देख रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर का पार्ट्स आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसका देखिए पीछे का पोर्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, वही कॉर्नर पर बेडरूम, वही किचन, वही लेटरिन बाथ, वही डाइनिंग एरिया। फ्रंट का जो आपका गेस्ट रूम था वही बिल्कुल सेम है। अब आपका ये देखिएगा बालकनी एरिया चेंज हो जाता है, जो आपका पार्किंग एरिया नीचे था वही ऊपर आपका बालकनी एरिया बन जाता है, जहाँ पर पॉट वगैरह, फूल वगैरह आप लगा सकते हैं, एक बेहतरीन सा लुक दे सकते हैं। अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से 2.5 फीट का बाउंड्री कर दिया है, जिसमें कोई भी रेलिंग वगैरह मैंने नहीं दी है। और अगर हम बात करें, ये देखिए छत मैंने बना दी है, जिसमें आपको लाइटिंग का लाइटिंग दे दी है। ये अगर ब्लैक कलर की जो 2.5 फीट का है, अप्रॉक्स 2.5 फीट आपका रेलिंग नॉर्मल सा बना दिया है। आप इसे चाहें तो आप इसे ग्रिल या स्टील भी लगवा सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो 20x32 फीट में बेहतरीन सा मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप ग्रिल लगवा लेंगे, रेलिंग लगवा लेंगे, तो आपके घर और भी खूबसूरत देखने में लगने लगेगा। तो 20x32 में ये पूरा मॉडल था, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ऐसा सा वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। अगर आप कोई भी हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर पेमेंट आपको 50% एडवांस से देना होता है। इसका आपको विशेष ख्याल रखना है, लेकिन पेमेंट तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, अन्यथा आप अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो इस मॉडल को यहीं ब्रेक करेंगे, कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।